क्या कर रहे हो सत्तार? अब इसकी मट्टी का रहा है, इसकी कुट्टी बना के और मल्चिंग डाले हैं पेड़ों में, ये ताकत भी बनाएगा और इसको सेहत भी नहीं जाएगी पेड़, इससे पेड़ के लिए नमी हो जाती है ना जी, नमी देता है पूरी। एक बार पानी दे दो एक महीने की जाती है, गर्मी के टाइम में भी। अब तो सर्दी है जी, अब तो सर्दी पड़ने लगी, अब तो पानी कोई जरूरत नहीं है। मल्चिंग भी बोल देते हैं जी, पटक भी बोलते हैं जैसे पेड़ पे पटक डाल रही है जिसमें। इससे कई कई फायदे हो जाते हैं। इसे एक तो ये फायदा है, हमने मल्चिंग डाल रहे हैं इसको कुट्टी काट के, पेड़ के नीचे जो जड़ है उसकी जड़ के लिए इसको, इससे ताकत भी बनेगी, खाद भी बनाती है ये। तो खाद नहीं डालते हो और या डाल रहे हो नीचे? नीचे खाद डाला है जी, कुछ इसके नीचे खाद डाला है जी मैंने, इसके ऊपर ये फटक लगा रहे हैं जी। कहाँ से आई ये सब पड़त? यहीं फार्म से, बाहर से लाए? नहीं, अपने ही फार्म से है जी सारा कुछ। अपने फार्म से दिया जी सारा पेड़ों से। पेड़ की छटाई कर देते हैं ना जी, पेड़ की छटाई तो हर सर्दी में होती है, सर्दी से पहले पहले। अगर पेड़ छांट के और हम उसकी मल्चिंग बना लेते हैं। कितनी बार करो इसे? साल में दो बार करते हैं, छह महीने में एक बार। कौन कौन से पेड़ों में? एक आम का, अमरूद का पेड़ छोड़ के, नींबू का, तीन पेड़ छोड़ के, जो देसी पेड़ है सब पे करते हैं। जो अपने खट्टे का है, सहसूद का है, सबको कटिंग कर देते हैं एक बार, तीन पेड़ को नहीं छूते जी। आम, नींबू, किन्नू, इसको नहीं छुआ जाता जी। अपनी जमनी को भी काट के डाल देते हैं जी हम। हाँ, फिर फुटाव ले जाती है जी। हमको हरा चाहिए जी मल्चिंग के लिए, बाहर से हम हरा लाते नहीं जी, अपने फार्म से डालते हैं सारा। हाँ, बाहर से मालूम भी नहीं क्या आ रहा है क्या नहीं, कहाँ बना है, कैसा बना, बना है, कैसे बना है, उसका क्या मालूम। अपना पूरा पेड़ पेड़ का पता है जी सबको। तो दो तीन साल पहले तो नहीं होगी इतना हरा जितना अब है काटने को? हमने तो करा तो अपने पास है। अब बनाया जी हमने तो, पिछले साल से ज्यादा कर रहे हैं। तो जितने भी फल के पेड़ है उसमें लगा रहे हो मल्चिंग दो बार साल में कह रहे हो? जी हाँ, जितना भी फल का पेड़ है हमारे पास, नींबू है, किन्नू है, आम है, अमरूद है, ये सब पे मल्चिंग लगा रहे हैं।